गुड मॉर्निंग। कल सबसे पहली चीज़ और दूसरी चीज़ दो हो चुकी हैं। सबसे पहली तो आग क्या और कैसे बनती है, जलती है, बढ़ती है, हो चुका है। उसके बाद फिर जो ये आग है, बन भी जाती है, सब कुछ होता है, ये कितने प्रकार की है वो भी हो गया है। कितने प्रकार की बताइए, ए बी सी डी ई और के, ठीक है। ये क्या हो गया, सॉलिड, और ये क्या है, लिक्विड, ये गैस, मेटल, और ये इलेक्ट्रिक, ठीक है। और ये क्या हो गया, किचन। मैन, और ये ठीक है। टोटल कितने प्रकार का हुआ, एक दो तीन चार पाँच छः। फिर अब किसी को बताओगे कैसे, किसी ने सवाल किया तो, कितने टाइप की आग होती है। अच्छा, टोटल टोटल छः प्रकार की होती है। चार हमारी मेन है सर, ए बी सी डी, और उसके बाद दो हम एडिशनल में लेते हैं, इलेक्ट्रिकल और किचन फायर को। तो ये बोलने से तो इंटरव्यू समझ जाएगा कि इसको तो पक्का नॉलेज है। बस बताने का तरीका हमारा इतना परफेक्ट होना चाहिए, इसको लगे सच में इसको अच्छा नॉलेज है। अगर कितना भी अच्छे से सीखोगे और बताना नहीं आएगा तो गलत। अब मेरे अंदर ढेर सारा ज्ञान पड़ा है, लेकिन अगर मुझे तुम्हें पढ़ाना नहीं आया तो वो किसी काम का है? और कौन मानेगा कि मैं अच्छा टीचर हूँ, भले मेरे को कितना ज्ञान हो, क्योंकि वो ज्ञान बांटना नहीं आता। बोलने का तरीका हमारा परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ये मेन मेन हो गए सारे। ये कल थोड़ा सा बीच में रहा था इलेक्ट्रिकल, बिजली में किसी भी तरीके की आग लगी हो, बिजली इक्विपमेंट्स में लगी हो, ट्रांसफार्मर में लगी हो, मोटर में लगी हो, जनरेटर सेट में लगी हो, बिजली से चलने वाले किसी मशीन में, एयर कंडीशन में, या किसी इक्विपमेंट्स के अंदर, ड्रिल मशीन वगैरह में, या किसी चीज़ में अगर आग लग जाए तो वो इलेक्ट्रिकल की है। अगर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाए तो इसको काट दो, फिर ये नहीं है, फिर वो इनमें से एक है। अब वो देख लो कि क्या है, समझ गए मेरी बात। अब किचन फायर भी वही चीज़ है। किचन फायर को अलग इसलिए लगाया है क्योंकि किचन में मैंने आपको बताया था वहाँ पे ये चारों टाइप की चीज़ें होती हैं। किचन में मेटल चलो कम चांसेस हैं, बट ये तो ढेर सारी पड़ी हुई हैं, ये तो खूब भर भर के हैं। तो उसमें जब आग लगेगी तो फिलहाल क्या चल रहा है, क्या जल रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं। और किचन फायर में एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, ध्यान देते हैं क्या क्या यूज़ नहीं करते हैं। एक तो फोम टाइप का, वाटर फोम, वो सब नहीं करते हैं, काम भी नहीं आएगा। और दूसरा पाउडर बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है। अभी अवेलेबिलिटी वैसे स्पेशल किचन फायर के आते हैं, लेकिन हर जगह नहीं है, अभी अवेलेबल नहीं मिलेंगे आपको। और किचन फायर का क्या मतलब है कि आप पर्सनल अपने घर में रखें तो अलग बात है, लेकिन हम इंडस्ट्रियल अगर उस बात को देखें तो किसी होटल में लग गई हो, है किसी कैफ़े में लग गई हो, किसी पिज़्ज़ा हट में लग जाए, तो उनके वहाँ तो रसोई होती है ना, तो वो किचन फायर। अपने पर्सनल घर किचन में आग लगेगी तो कोई स्पेशल किचन के लिए हमें नहीं बुलाएगा, ना उसके पास वो सिलेंडर रखा होगा। लेकिन हम जिस कंपनी में, जिस फ्लैट में, जिस मॉल में जहाँ काम कर रहे होंगे, वहाँ तो किचन ज़रूर होगा, एक से ज़्यादा होंगे, तो वो किचन में आग लगेगी, तो उसके लिए किचन फायर को अलग किया गया समझने के लिए, ठीक है। चलिए, ये कल का बैलेंस था इसलिए मैंने जोड़ दिया। अभी जो ऊपर लिखा गया है उसी पे मैंने फोकस करेंगे, फायर ट्रायंगल एंड टेट्राहेड्रॉन। ये बनाना सभी को आता है, ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है यार, सीधी सी चीज़ है। पहले भी वही सिखाया गया कि भाई ठीक है, सबसे पहले आग को जलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता है, उसके बाद रही बात ऑक्सीजन की, तो देखो वो तो कहीं भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है। अब जो सबसे लास्ट में चीज़ चाहिए वो आप टेम्परेचर मानो या उसको जो है हीट बोल लो, ठीक है। तो ये आपकी बन गया फायर।
अब आग कैसे जलती है वो तो दोबारा नहीं पढ़ाना हमने है? कोई भी जलने वाली चीज़ जो जल सकती है वो इस ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर, यानी कि जहाँ ये है वहाँ ये होना चाहिए, इसके बाद उसको गर्मी कहीं एक जगह से मिलनी शुरू हो जाए, वो चाहे सूरज से मिले, चाहे माचिस की तिल्ली से मिले, पत्थरों के रगड़ने से मिले, या किसी भी थर्ड रीजन की वजह से उसको कहीं से गर्मी मिले, और उसके गर्मी की वजह से उसके अंदर की नमी सारी सूख जाए और उसके अंदर वाष्पीकरण हो जाए, तो वो आग पकड़ लेगी। कौन आग पकड़ लेगी? वो जलनशील वस्तु, वो फ्लेमेबल मटेरियल। ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसको कहीं से गर्मी मिलना शुरू हो जाए और उसके अंदर से वाष्पीकरण होकर सारी नमी खत्म हो जाए, उड़ जाए, वो पूरी तरह सूख जाए, तो वो आग पकड़ लेगा चीज़। अब उसने आग पकड़ ली तो यहाँ क्या हुआ? फायर। अब ये फायर हम कैसे पहचाने कि ये फायर है? देखो, एक छोटा बच्चा है, 1 साल का हुआ है जस्ट, उसको नहीं पता आग क्या चीज़ है, तो अपने आप को वो 6 महीने का बच्चा मान लो कि मैं 6 महीने का बच्चा अगर हूँ और मेरे से कोई पूछे वो जो आग जल रही हो कि क्या है, उसको क्या मालूम क्या है, क्या बता पाएगा? अगर उसको किसी ने ना बताया होगा इसको आग कहते हैं, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि आग क्या है तो आप क्या बताओगे? ये तो आग कैसे जलती है वो पूछा किसी ने, लेकिन आग है क्या? आग पहचान बता रहा हूँ मैं फिलहाल, आग क्या है वो तो समझ गए। आग एक तरह की रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जलने वाली वस्तु, आगे मैंने जो बोला वो उसमें ऐड कर दो, पहले एक लाइन लगा के, 4 वर्ड लगा के, कि आग एक तेज रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ज्वलनशील वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में कहीं से भी गर्मी पाकर है, गर्म होके वाष्पीकरण होने के बाद जल जाती है, उसको हम आग कहते हैं, वो ठीक है। लेकिन ऐसे ही एक क्वेश्चन किया जाए, ठीक है ये तो प्रोसेस तुमने बता दिया कि ऐसे आग जल गई, लेकिन वो जो जल रहा है तू कैसे कह सकता है कि वो आग ही है, कुछ और नहीं है? कुछ बल्ब आते हैं ऐसे आजकल, देखे चाइनीज से, ऐसा लगता है उनको देख के कि उसमें आग जल रही है। वो पहचान जो मैंने पहले बताई थी उसको दोबारा याद करते हैं कि आग तभी कहते हैं हम किसी चीज़ को जब उसमें से तीन चीज़ें निकलती हैं, वरना आग नहीं है वो। अब समझे, धुआं निकलेगा जहाँ आग लगेगी, डेफिनेटली धुआं निकलेगा, क्योंकि जो जलने वाली चीज़ जो जलेगी तो धुआं तो बनेगा ही बनेगा, बनेगा ना, किसी से काला बनेगा, किसी से सफ़ेद बनेगा, किसी से कैसा ही बनेगा। और दूसरा चीज़ गर्मी, भाई आग है गर्मी डेफिनेटली होगी। तीसरा चीज़ लाइट, रोशनी, भाई आग लगी है तो रोशनी पैदा होना ही होना है, क्योंकि आग रोशनी के लिए भी तो काम आती है। तो जब ये 3 चीज़ें कहीं से एक साथ पैदा हो रही होती हैं ना, वो आग ही होती है, जो जल रही है ना उसकी यही पहचान है कि वो आग है, कुछ और नहीं है, क्योंकि उसमें से 3 चीज़ें निकल रही हैं, इसीलिए वो आग है। वरना आजकल चाइनीज भी वो ऐसे वो जुगाड़ बन के आते हैं, दूर से देख के वही लगता है कि ये तो आग है, हैं, लेकिन आग तो नहीं होती है वो, बाकी 2 चीज़ें नहीं निकल रही है तो आग नहीं है। आप समझे आग की पहचान? और ये चीज़ जो अभी आपने सीख लिया ना, या इससे पहले सीखा था, ये यहाँ के अलावा कहीं किसी ने नहीं सीखा है। बहुत कम लोग हैं, ये तो नहीं कहूँगा कि पूरी दुनिया में किसी ने नहीं सीखा है, बहुत कम लोग हैं हमारे जैसे किसी ने सिखाया होगा, लेकिन बहुत ही कम किसी को पता होगा ये चीज़। किसी से पूछ लेना जाके, किसी बड़े से बड़े इंजीनियरिंग किए हुए फायर वाले को, भाई आग की क्या पहचान है, आग क्या है, तो फटाक से बोल देगा, बोला आग की पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे कि वो आग है? जवाब नहीं दे पाएगा कोई इंसान। अगर दे पाए तो मुझे बोलना कि सर एक तो मेरे को मिल गया दुनिया में जिसने जवाब दे दिया, और एक और बात बताऊँ, कोई सवाल भी नहीं करेगा ये वाला, क्यों? उसको मालूम ही नहीं है। ठीक है, देखो
अब यहाँ से इधर बढ़ते हैं, ट्रायंगल बन गया हमारा, यही है ना ट्रायंगल, तो ट्रायंगल हो गया। अब ये जो है टेट्राहेड्रन कैसे बन जाता है बोले तो चतुर्भुज कैसे बन जाता है, ठीक है, टेट्रा कैसे बन जाता है ये। अब क्या हुआ, यहाँ पे जलने के लिए तीन चीज़ें चाहिए थी, तब तो जाके वो जली थी, अब वो बुझ भी सकती है, समझ गए कि नहीं। अगर उसको ये वाली एक बार मिल के दोबारा ना मिली तो वो बुझ सकती है, ख़त्म हो सकती है। इसको चालू रहने के लिए आग को लगातार गर्मी चाहिए, क्योंकि जहाँ से हमने, अब मान लेते हैं इस चीज़ में आग की हम बात करें, इसमें हमने यहाँ से उसको गर्मी दी थी या पता नहीं कैसे भी मिली थी, चलो मान लेते दी थी हमने लाइटर से, थोड़ी देर हम आग देते रहे, जब गर्म हो गया तो इसमें आग पकड़ी, ठीक है, वो तो यहाँ आग पकड़ी ना जहाँ हमने गर्मी दी, यहाँ थोड़ी गर्मी दी है तो यहाँ कैसे जलेगा ये, और बिना गर्मी के जलेगा नहीं, ये भी गारंटी है। तो यहाँ गर्मी नहीं देंगे तो जलेगा कैसे, हमें लाइटर को ऐसे यहाँ तक जलाते जलाते ही इसको पूरे जलाना पड़ेगा, लेकिन ये तो कृत्रिम आग हुई ना, जो हमारी मर्जी से नहीं लगी है वो आगे बढ़ती कैसे है, जैसे इसको आगे बढ़ाने के लिए हमें पीछे तक गर्म करना पड़ता, वरना जहाँ हमने दिया था वहीं जलेगा, क्या पता आगे तक जाए नहीं जाए। तो यही चीज़ है कि एक बार कहीं से गर्मी मिल गई तो ये त्रिभुज तो बन गया, तीन चीज़ें मिल गई और ये बन गई, लेकिन अब वो ये जो है ये बहुत सारा है, फ्यूल अपना बहुत सारा है, जहाँ पे अगले जंगल मान लेते हैं, जंगल में कमी है क्या फ्यूल की, बहुत सारा है ना, तो वो अब आगे चलेगा कैसे, एक जगह तो कहीं से चिंगारी निकली या किसी ने, चलो भाई बीड़ी बीड़ी चलते चलते गाड़ी से कोई घूमने आए थे सफारी में और वो सिगरेट पीते पीते फेंक गए, एक जगह तो उसने गर्मी दे दी तो एक बार तो जलेगी, तो वो आग जो है बढ़ते बढ़ते इतनी कैसे बढ़ी, उसने तो एक ही जगह दी, तो वहाँ क्या हुआ, एक और जो हमारा एंगल था वो बढ़ गया, जो एक और भुजा थी वो बढ़ गई, ये हो गया हमारा फ्यूल, यही था इधर, क्या था हमारा ऑक्सीजन थी, और इसमें से मान लेते हैं ये हमारा हीट था, तो ये जो है वो सी आर बन गया, क्या हुआ सी आर बोले तो चैन रिएक्शन। अब ये चैन रिएक्शन क्या चीज है, इधर आग लगी थी, हमने गर्मी दी वो जला, अब आगे चीज को जलने के लिए वही गर्मी जो हमने दी थी ना वो चाहिए, तो अब क्या हुआ, जब हमने दी ना इसको तो खुद जल गया, तो जो गर्मी हम लाइटर से दे रहे थे वो गर्मी इसमें खुद पैदा होगी, अब ये आगे गर्मी देता रहेगा, वेपराइजेशन होता रहेगा, वो सूख के जलता रहेगा, फिर आगे गर्मी देता रहेगा, वेपराइजेशन करके इसको जलाता रहेगा, तो ये जलते 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 ख़त्म हो जाएगा, समझ में आया। तो ये जो बना था ना रिएक्शन यहाँ पे, वो अपने आप ऑटोमेटिक बनने लग गया वहाँ पे, क्योंकि जो शुरू में बीड़ी सिगरेट फेंकने से या किसी चिंगारी से आग जली थी, वो चिंगारी एक आग के पास खुद अपनी बन गई, उसको कहीं से नहीं लेनी ना उसको कहीं से चाहिए, जो चीज़ जल रही है जितने एरिया के अंदर उसमें वो गर्मी खुद पैदा हो रही है और पास वाली चीज़ को गर्म करके वेपराइजेशन उसमें स्टार्ट कर रही है, जिसका वेपराइजेशन हो गया उसको फिर वहाँ पे आग लग जाएगी, फिर वहाँ तक जो आग पहुँची वो आगे तक गर्म कर देगी, फिर वो आगे तक गर्म कर देगी, ऐसे आग कंटिन्यू आगे तक चलती रहेगी, ऐसे तो आग जलती है, समझे, और ऐसे आग बढ़ती है, समझ गए, सिंपल वर्ड में बोले तो ट्रायंगल से आग बनती है और इसे आग बढ़ती है, आगे तक जाती है, ये दोनों में फर्क है। इसको चाहे तो हम एक घंटे की क्लास ले, चाहे तो हम एक मिनट में समझ लें, ठीक है। अभी आग क्या है, कैसे जलती है, कितने प्रकार की है, ट्रायंगल क्या है, टेट्राहेड्रन क्या है, कंप्लीट होते हैं आपके, इसके बाद जरूरत नहीं पड़नी चाहिए पढ़ाने की, ये चीज़ कहीं भी कोई क्वेश्चन करे तुरंत आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, लंबी क्लास नहीं करेंगे।